हाउ टू फिक्स कैनरा साथी ऐप एंटर वैलिड वेरिफिकेशन कोड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी कैनरा साथी ऐप क्रिएट करते वक्त इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको दिख जाते हैं, तो आप दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि आपको क्या करने के लिए बता रहा है और क्या एरर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर वैलिड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो अगर दोस्तों वेरिफिकेशन कोड को आप काफ़ी देर तक ऐसे ही देख देख के ऐड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका वेरिफिकेशन कोड और आप दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम लगा रहा है और इसको ऐड नहीं कर रहा है, तो इसका एक्सपायरी चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और रिसेट कर लेना है। रिसेट करने के बाद आपको यहाँ पे दबाना है जो नंबर दिखाई दे रहा है 4803 एंड एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएगा, एंड एंड OTP एंटर कर लीजिएगा, उसके बाद क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मुझे प्लीज़ एंटर राइट डिटेल्स इसलिए बता रहा है क्योंकि दोस्तों मेरा जो ये नंबर है इसमें कैनरा बैंक एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से ही है। लेकिन अगर आप एक कैनरा बैंक यूज़र है, ठीक है, अगर आपके पास कैनरा बैंक का अकाउंट है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला ही ऐड करें। क्रेडिट कार्ड नंबर का लास्ट 4 अंकों यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, 4 अंकों वाला जो नंबर होता है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को वैलिड वाला करके ऐड कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको OTP भेजा जाएगा, OTP ऐड करना है, उसके बाद आपको क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना होगा, एंड देन आपका अकाउंट क्रिएट। तो ये था दोस्तों इसके रिलेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।